पता कब चला कि ये अनु मकसूद के बेटे तो so, मेरा पहला रिएक्शन होगा नहीं नहीं <laughs> और उसने कहा होगा भाई मैं झूठ थोड़ी ना बोल रहा हूँ मैंने फौरन आके बिलाल को फोन किया मैंने कहा बिलाल गेस व्हाट नोनी ने मेरा इंटरव्यू लिया है तो खैर हम बहुत खुश हुए wow. बड़े hmm. अच्छे दिन थे यू मेट क्रिस मार्टिन रिसेंटली आई स्वेयर Hey guys, Assalamualaikum. This is Rabia, and you're watching me on Fusha Magazine. कुछ ऐसे पहले की बात है कुछ सालों पहले की बात है स्ट्रिंग्स का कॉन्सर्ट था हमने टिकट्स लिए मेरी फ्रेंड ने लिए हम जल्दी में थे देखे नहीं जब वहाँ पहुँचे तो पता चला फ्रंट रो के टिकट्स थे आई आज लाइक वाओ आई कॉन्ट बिलीव माई लक कि बिलाल मकसूद एंड फैसल कपाटिया फ़्रंट रो पर बैठ के देख रहे हैं यार कॉन्सर्ट कितना मजा आया तो उस दिन की तरह आज का भी एक दिन है कि जब मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरे सामने फैसल कपाटिया बैठे हुए हैं एंड आई हैव द ऑनर ऑफ इंटरव्यूइंग हिम आई थिंक हार्ट ब्रेक हुआ हो क्रैश हुआ हो Uh, पाकिस्तान का को कोई क्रिकेट मैच हो uh, या फिर हम uh, <coughs> सी वी पर ड्राइव करते हुए जा रहे हो बोट बेसन पर जा रहे हो तो स्ट्रिंग्स के गाने हमेशा कहीं ना कहीं हमारी यादों का हमारी जिंदगी का हिस्सा रहे हैं आई एम सो ग्रेटफुल टू दैम फॉर गिविंग सच ब्यूटिफुल मेमरीज और आज आई एम एक्सट्रीमली ऑनर्ड एंड प्रिवलेज टू बी सिटिंग अक्रॉस फैसल एंड हैविंग अ कपारिया है मिलते हैं और कुछ बातचीत करते हैं असल कैसे हैं मैं ठीक ठाक हूँ पहले ये बताएं कि वो कॉन्सर्ट कौन सा था क्योंकि हमारे तो कॉन्सर्ट्स होते थे बड़ा हम स्ट्रिक्टली लिखते थे कॉन्ट्रैक्ट में कि सीटिंग नहीं होनी चाहिए चाहिए स्टैंडिंग क्राउड होना तो ये फ्रंट सीट से की थी आप याद करें, कहां होगा? I, I have no idea. Like, याद करें करें होगा बड़ा मुश्किल है क्योंकि पाकिस्तान you know, पिछले, नहीं था मैं इतना, हिंट पाकिस्तान में नहीं था। yes, ओ, इतना देती सिंगापुर सिंगापुर पाकिस्तानी बहुत कम थे लेकिन आप लोग गा रहे थे और यू नो आप इंडियन ओशन के साथ भी और आपका एक सोलो भी हुआ था

And, uh, yeah. आज कुछ फैनगल मोमेंट्स भी होंगे इस इंटरव्यू में मेरे कुछ प्रोफेशनल तरीके से सवाल पूछने की भी कोशिश होगी तो इट बोथ यू नो मैं अपने ऑडियंसेस को बोल रही हूँ आपको आपको तो पता नहीं चलेगा ऑडियंस को पता चलेगा नीचे कमेंट्स आना शुरू होंगे तो मैं उनको पहले से वार्निंग दे लूँ सो नेटफ्लिक्स में आज कल क्या देखा जा रहा है सो नेटफ्लिक्स पर आप सच पूछें तो बहुत कुछ देखता था लेकिन पिछले बीस दिन से इतनी क्रेजी हुई हुई लाइफ बट मेरे कुछ जो फेवरेट थे उसमें

बट yeah. अगेन uh, बहुत सारी चीजें एक टेनिस की भी बड़ी अच्छी डॉक्यूमेंट्री थी विच आई आई लाइक टू सी लॉर्ड ऑफ डॉक्यूमेंट्रीज ऑन म्यूजिक बट यू द लास्ट आई थिंक दिस क्वींस गैम बट

वो कनेक्शन बड़ा मजा आता है आई नो वो वेट करना ही कर। मुझे लगता है बड़ा सबर का इम्तिहान होता है कि yeah. यहाँ फंस गए अब आगे क्या होगा yeah. तो एंड नाउ देयर आर सो मेनी ओटीटीज प्लेटफॉर्म यू नो प्राइम है देन यू हैव जी5 यू हैव नेटफ्लिक्स यू हैव ओएसएन यू हैव एचबीओ या वी आर ओवर फ्लडेड विद चॉइस ऑफ कि क्या देखें क्या नहीं देखें यू मेट क्रिस मार्टिन

उसके बाद से मैं इतना कॉन्शियस हो गया कि मैंने कहा जब भी अगर कोई मुझसे तस्वीर खिंचवाने को कहता है आई हैव टू बी एक्स्ट्रा हम्बल एक्स्ट्रा नाइस बिकॉज वो खुशी जो मुझे उस तस्वीर में मिली आई हैव टू गिव दैट हैप्पीनेस टू हु इफ़ समबडी फील्स हैप्पी बाय हैविंग अ फोटोग्राफ विद मी आई नीड टू गो एक्स्ट्रा माइल तो अब मेरी कोशिश होती है कि यू you नो know, uh, अगर कोई लड़का तस्वीर खिंचवाने आ रहा है तो मैं हाथ भी रखूँ हंसूँ भी yeah. स्माइल भी करूँ ताकि उसको लगे कि यार इसने अपना पूरा एक जो एफर्ट था वो दिया Uh, that's what i felt and he was such a humble guy mm -hmm. and uh, you know ek reh gaya hai ek bono reh gaye hain you two ke jinse mujhe milne ka shauk hai i remember way back when i got married in 1997 me and seema went uh, for honeymoon uh, Vegas वेगस गए थे वेगस हनीमून के लिए कोई इतनी कोई खास जगह है नहीं बट <laughs> हम चले गए उस जमाने में मुझे डेमी मोर बहुत पसंद थी oh. उनकी मूवी आई थी अबाउट लास्ट नाइट और बहुत सारी मूवीज़ थी आई वॉज लाइक क्रेजी अबाउट और वो हमें मिल गई wow. वो लगी. 1997 में वी वर इन अ मॉल और uh, हम एक आयल में थे मैं और सीमा कुछ देख रहे थे पीछे से एक खातून की आवाज़ आई सीमा ने कहा वॉइस इज सो फेमिलियर बिकॉज शी हैज़ अ वेरी वेरी डिफरेंट वॉइस हम जैसे ही वहाँ गए तो डेमी मोर थी तो उस ज़माने में तो कैमरा फोन वगैरह होते नहीं थे खैर uh. मैं, मैंने हाथ वाथ मिलाया सीमा ने मुझे कहा कि अब तुम ये दस दिन तक हाथ नहीं धो बट या दीज आर मोमेंट्स आई फील के गॉड हैज़ बिन सो काइंड दैट यू नो अगर लोग हमारे साथ भी ये तस्वीर खिंचवा के या मिल के अगर ऐसा फील करते हैं सो वी आर रियली रियली प्रिज एंड या इफ़ वी कैन मेक somebody smile. स्माइल

आब्दा परवीन साहिबा का ही म्यूज़िक सुनते थे बहुत शौक से और आप नौजहाँ को भी सुनते थे मैं तो एज सिंगर उसके बाद मैंने तो सबको सुना बिकॉज okay. मैं, मैं मुझ में जब वो सिंगर जागा या जगाया गया hmm. या कहीं से आ गया hmm. तो मैं तो फिर सबको सुना कोई भी अच्छा गाना hmm. जितने भी लेजेंडरी सिंगर्स हैं लेकिन अब्बा जो है वो ज़माने में एक प्रोग्राम आता था, था मेरी पसंद उसमें बहुत सारे पाकिस्तानी मशहूर गुलकार की परफॉर्मेंस होती थी और आबदा परवीन साहिबा के स्पेशली वो वी एच एस पे रिकॉर्ड करके नो इन माई वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन एट लाइक इन आई एवर थिंक आई यू नो आई विश माई फादर passed away बट ही तो उनको वैसे तो नहीं पता होपफुली देख रहे हो बट दैर वॉज अ मोमेंट फॉर मी वर्किंग विद आबदा परवीन साहिबा एंड गॉट प्रेंडली ऑलसो फी नो दैट्स अनदर फैन मोमेंट कि अभी अभी मुझे याद है जब उनका गाना आया तू जूम yes. तो मैंने आपदा जी को फ़ोन किया mm -hmm. तो उन्होंने कहा कि अरे कैसे हैं आप mm -hmm. क्या कर रहे हैं मैंने कहा मैं तो झूम रहा हूँ आपने कहा तू झूम झूम तो मैं तो झूम रहा हूँ तो हंस पड़ी कहती है अरे माशाल्लाह माशाल्लाह शी इज शी इज़ सच एन अमेजिंग पर्सन और yeah. इतनी हम्बल यानी हम्बलनेस तो वहाँ से शुरू होती है सो लॉट टू लर्न वेन एवर यू नो आई आई स्पीक टू हर शी इज ऑल आउट ऑफ लव एंड प्रेयर एंड बहुत ही स्परिचुअल पर्सन जब आप उनसे मिले थे कुछ आ, आपने उनके साथ गाया उस वो एक गुस्साखी कर दी थी एक <laughs> इंस्टा सेशन उनके साथ मैंने किया था। <laughs> और उसमें वो ना चाहते हुए भी वो एक जो होता है ना एक फैन <laughs> मोमेंट तो हमने एक दो लाइनें <laughs> सात गुनगुना दी थी जस्ट ग्रेट टू नो अबाउट मैं जब उनसे इंस्टा लाइव पे क्वेश्चंस पूछ रहा था तो मैं वो क्वेश्चंस पूछ रहा था जो एज अ फैन कि भाई आप लता मंगेशकर के कौन से गाने गाती हैं भाई आप तो आ, सिर्फ सूफ़ी सुना है हमने लेकिन आप उनके गाने भी नूरजहाँ के गाने भी गाती होंगी

नहीं Intention एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी एंड यू नो टू बी वेरी ऑनस्ट स्ट्रिंग्स हमारा पह, पह, हमारी पहली मोहब्बत hmm. है और पहली प्रायोरिटी hmm. मेरी और बिलल की उस केस में अगर हम परफॉर्म करते हैं तो कहीं ना कहीं एज अ प्रोड्यूसर यू नो आप ये सोचते हैं कि यार स्ट्रिंग्स का गाना हमें इस एपिसोड में डालना है बिकॉज दिस इज गोनो बी द बेस्ट एपिसोड और इस टाइम पर डालना है वो एक कहीं ना कहीं आप शायद आ जाता। हाँ आ जाता और hmm. वो हम कभी भी लाना नहीं चाहते सो वी डिस

नूर जहाँ साहिबा के गाने वो इतनी एफर्टलेस तरीके से गाती थी और इतना कमाल गाती थी कि वो उन गानों को रेप्लिकेट करना किसी के लिए भी आसान नहीं होता और हर आवाज़ जो है उसकी अपनी स्ट्रेंथ होती, अपनी होती है अपनी वीकनेस होती है तो आई थिंक सबसे पहली बात तो ये कि इंसान को ये रियलाइज़ करना चाहिए कि क्या आपकी स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेसेस हैं उसी में उम्र गुजर जाती है बिकॉज आप ट्राई कर कर के करके यू कम टू पॉइंट दैट You जिससे कि ओके दिस इज माई लिमिटेशन आई शुड नॉट ट्राई दिस एंड आई शुडिको आई गैस इन दैट तो आई वोट से आपके को? को किया. Hmm. Uh, मैंने hmm. उनके मैंने जिंदगी में कवर बहुत कम गाए hmm. uh, जिसकी वजह से अगर आप पॉजिटिव साइड देखें तो कवर ना गाने की वजह से आपका एक अपना खुद hmm. का एक स्टाइल बनता yeah. है कवर गाने से ये होता है कि आपकी वर्सिटैलिटी बढ़ती है सो आई 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 थिंक मैं उस फे, उस जगह रह गया कि जहाँ पे बस एक अपना स्टाइल बन गया और ज्यादा कवर्स गाए कवर अच्छा मेरा मतलब ये नहीं था कि आप कोई चीज़ पिक करते हो करते बट सम हाउ यू नो पीपल दैट यू लुक अप टू या जो इनको पसंद होता है कहीं ना कहीं उनकी कोई चीज़ आपको अनकॉन्शियसली कॉन्शियसली आप के जहन में रह जाती है कोई बात अच्छी लग जाती है कुछ वो जाता है तो मैं उस सेंस में से किशोर कुमार साहब के गाने बहुत गाता था अच्छा बचपन से ही, कौन सा आ, फेवरेट है आपका कुछ लोती? तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना चिंगारी आ, हुँ, हुँ. और बहुत सारे यानी उनके गाने मुझे लगता था कि कि ये उस जोन में है तो, कि मैं गा सकता अब आप ये कह रहे हैं तो मेरे जहन में ये सवाल आ रहा है कि नूरजहाँ को सुना इन सबको सुना किशोर के आप बहुत ज्यादा गा रहे हैं हाउ डिड यू मैनेज के आप इन्फ्लुएंस नहीं हो और उन उनकी चीजें नहीं आपकी सिंगिंग स्टाइल में आए या उनका स्टाइल नहीं आए और आप अपना एक अपना एक क्रिएट करें स्टाइल ये ये किस तरह कोई कॉन्शियस एफर्ट थी या बस हो गया नहीं तो ये गाने आ, तो एक वो है कि घर पे बैठ के गुनगुना लिया आ, कहीं पे उस तरीके से परफॉर्म नहीं किए किए कहीं फैमिली गैदरिंग हुई तो उस वक्त परफॉर्म कर लिया जब हमारा बैंड बना 1989 में तो उस वक्त बेसिकली मैं और बिलाल हम अपने ही गाने गाते थे अच्छा और वो ही गाने जो हैं वही कॉम्पोजिशन्स जो थी वो हमारा एक स्टाइल उसमें बनने लगा एंड दैट्स हाउ हमारा जो सिंगिंग स्टाइल था वो उसी के अराउंड मोल्ड होता गया hmm. अगर एक कवर बैंड होता तो वो यू you नो know, बहुत सारे उस कवर बैंड्स थे hmm. जो बॉन्जोवी bon भी गाते थे जो गन्स एंड रोजेज़ भी गाते तो hmm. उनकी आवाज़ें उनके गाने के स्टाइल उनकी जो नोट सिलेक्शन उनकी टोन सिलेक्शन वो फिर बहुत ज़्यादा उन बैंड से इंस्पायर्ड होती inspired थी

वो वो है अभी तक फील उसमें वो हमें आ रही थी जो आप कह रहे हैं कि स्टाइल बन गया गोइंग बैक टू हाउ इट ऑल स्टार्टेड बट आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली जब आप बता रहे थे कि वो सिंगर बनाने का सिंगर हूँ ये एहसास दिलाया गया या सिंगर कहीं से मैंने डिस्कवर किया तो ये ये मुझे स्टेटमेंट इंटरेस्टिंग लगी है तो क्या आप बचपन से शौक़ था नहीं था कहाँ कहाँ पता चला मैं गा सकता किबर कि मुझे शौक़ था एक होता है कि शौक़ हो कि आप बचपन से गा रहे हो आई क्लियरली रिमेंबर समवेयर अराउंड आई वॉज सेवन ईयर्स ओल्ड One day I was not feeling well. मुझे बुखार था तो मेरी बहन जो है वो मेरे लिए हारमोनीय ले आई एज अ टॉय के okay. चलो तुम्हारा दिल बहल जाएगा mm -hmm. हो सकता है उन्होंने कुछ पहले देखा हो mm -hmm. कोई इंक्लिनेशन बट बस वो हारमोनीय आया उसके बाद एक उस्ताद साहब आना शुरू हुए ग़ुलाम हैदर साहब वहाँ से मैंने सीखना शुरू किया जो कि मुझे पता है कि मैं फिर भी उसमें वो करता था कि नहीं आज मुझे क्लास नहीं लेनी आज मुझे क्लास नहीं दैट दैट बॉर्न सिंगर थिंग इन लेकिन तो शौक भी नहीं मुझे तो लग रहा है पे नहीं 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 अभी शौक नहीं अभी शौक था था अच्छा बस okay. फिर वो उनके साथ बैठ बैठ के हाँ। जब सीखना शुरू किया हाँ। और वो हल्की फुल्की बहुत ही सिंपल सी गजलें सिखाते थे बिकॉज हैवी वो भी नहीं करना चाहते थे कि मैं भाग ही जाऊँ तो जब वो शुरू हुआ तो उसके बाद मेरा शौक बढ़ता गया एंड दैन uh, एक प्रोग्राम आता था उस जमाने में सुहल राणा साहब का सारे दोस्त हमारे mm -hmm. फिर मैंने उसमें जाके ऑडिशन दिया एंड आई थिंक नाइनटीन एटी आई गोट सेलेक्टेड फिर तो वो एवरी वीक सुहेल राणा साहब का प्रोग्राम होता था उसकी रिहर्सल होती थी हमें साढ़े तीन सौ भी मिलते थे एवरी वीक रिहर्सल और रिकॉर्डिंग के वहाँ से वो एक शौक़ uh, जो है वो बहुत ही सॉलिड हो गया एंड uh -huh. बट देन अगेन जब मैं सेकेंडरी uh, स्कूल में आया लाइक क्लास सेवन्थ में उसके बाद वो शौक़ ख़त्म हो गया है यानी कुछ नहीं किया म्यूजिक आई यूज़ टू पार्टिसिपेट इन आर कॉलेज आर स्कूल फंक्शंस टिल आई केम टू गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज इन 1988 और बिलाल मेरे साथ एक ही बेंच में था और वी जस्ट स्टार्टेड टॉकिंग एंड पता चला कि ही इज़ इन म्यूजिक आई एम इन अ बैंड और बस वो कहानी वहां बैठे बैठे एकदम से कोई शौक भी नहीं है गा भी नहीं रहा और बस क्या बैंड बना लूँ दिस इज इंटरेस्टिंग अच्छा मुझे ये जब बिलाल से पहली बार मिले अब याद कर पहला इम्प्रेशन क्या था बिलाल का क्या सोचा आपने ये कौन बंदा है क्या बंदा है हिट हुआ ये कौन है ये बाद में पता चला वो नहीं। पहले तो इम्प्रेशन बताएं फिर बताएं कैसे पता चला ये हैं कौन

लेकिन मैंने कभी जिंदगी में भी, भी नहीं सोचा था कि आई विल बी एबल टू मीट हिम रादर बीइंग अ काइंड ऑफ अ सन टू हिम एंड ही विल बी राइटिंग सो मेनी लाइक ऑलमोस्ट ऑल द सॉन्ग्स तो देखें जिंदगी कहां ले जाती है बिलाल ऑलवेज वाज अ क्वाइट पर्सन सो आई डोंट क्लियरली रिमेंबर कि वो पहला इंप्रेशन किया था बट uh, अच्छा ही इंप्रेशन था आई एम श्योर और uh, वो हमेशा ज्यादातर खामोश स्केच हमेशा करते थे जहाँ पे hmm. भी टाइम मिल जाए तो hmm. तो वहाँ पे वो उसने एक कॉन्सर्ट सिनेरियो बनाया और मैंने देखा और मैं समझता था कि आई एम द ओनली वन हु नोज़ अबाउट म्यूजिक मैं कर, आ, ये तुमने ये कीबोर्ड एक जूनो फिफ्टी hmm. की बोर्ड का मॉडल था तो बैंड के उसने कॉन्सर्ट सीन बनाया उसमें की था मैं कहा तुम्हें ये की कैसे पता है ये तो जूनो सिक्सटी है yeah. कहना तुम्हें कैसे <laughs> पता है? मैं कहा क्योंकि मैं गाता हूँ कहना भाई मैं भी म्यूजिशियन हूँ एंड दैट्स हाउ वी गॉट टू हमारे क्लोज फ्रेंड्स जरूर थे जिनके थ्रू हम एक दूसरे को जानते थे बट वो म्यूजिक वाली चीज पहली बार तो पता कब चला कि ये अनु मक्सूद के बेटे हैं और क्या रिएक्शन था आपका ये मुझे अब याद नहीं या ये, ये तो ये सॉरी यार कह रही हूं नहीं नहीं सही <laughs> कह है मुझे याद होना चाहिए यही तो इंटरेस्टिंग कहानी है ये सुनिए याद कर ना आप थोड़ा आई एम आई एम श्योर जब

फिर मुझे याद है कि बिलाल ने कहा मेरे पास कुछ गाने हैं जो बने हुए हैं तो हम उस पर प्रैक्टिस करते हैं तो मैं उनके घर गया और वहाँ पे मेरी अंकल से और आंटी से मुलाकात हुई और फिर तो वो रोज़ का जाना हो गया था क्योंकि कॉलेज के बाद क्लास के बाद हम जाते थे हम गाने बनाते थे उस पर प्रैक्टिस करते थे और वो बिल्कुल वो बचपन वाले गाने के रात का साया छा रहा है सूरज घर को जा रहा है चंदा <laughs> मामा देख के तुझको कहना ये कुछ चाह रहा है सो जा जाबू में जा तो चार लड़के ये बैंड बना रहे हैं ये दो लड़के थे जिन्होंने बैंड बनाया उसके बाद जब हमें एक कॉन्सर्ट की कॉलेज में जब ऑफर हुई कि आप बजाएं तो ऑफ़कोर्स वी नीडेड अ फुल बैंड उस ज़माने में मैं रफ़ीक और करीम को जानता था वो भी म्यूजिशंस थे और मैं उनके साथ कहीं ना कहीं वो जो इलाकाई बैंड होते हैं ना नेबरहुड बैंड्स तो मैं ऐसे बैंड्स में परफॉर्म करता था तो उनके साथ मैं परफॉर्म कर चुका था तो फिर मैंने उनको बिलाल से इंट्रोड्यूस किया और हम चारों ने एक बैंड बना लिया जिसका नाम हमने

लेकिन कसेट्स का भी यही था कि लोगों को पता कैसे चलेगा अच्छा कस, कसेट्स में भी ये था कि उस जमाने में आलमगीर शेखी तहसीन जावेद लेकिन इन लोगों के जो एल्बम्स आते थे इसमें ये लोग कवर सॉन्ग्स भी करते थे yeah. तो टू रीच आउट टू इट वाज रिलेटिवली ईज़ी कुछ कवर गाने हो गए और कुछ उन्होंने yeah. अपने गाने कर दिए हम कवर नहीं करते थे तो हमारे लिए तो ओनली वे था टीवी और वो वाइटल साइंस ने जब अपना आ, पहला गाना दिल दिल पाकिस्तान 1987 में रिलीज़ किया सो mm. so वो एक होप आई कि ओके इफ दे कैन डू इट वी कैन डू इट टू एंड आई थिंक दैट इंस्पायर्ड सो मेनी बैंड्स एंड दैट बैंड बैंड कल्चर स्टार्टेड इन 1989 yeah. और हमें पीटीवी पे मौका मिला गजन फर अली साहब का प्रोग्राम था म्यूजिक चैनल वी गॉट टू परफॉर्म फाइव सॉन्ग्स और वो दिन ऐसे होते थे कि गाना एक बार टी पर आता था yeah. साढ़े नौ बजे yeah. और उसके बाद अगर आप घर से बाहर निकले तो हर आदमी आपको जानता wow. था। पावर ऑफ uh, yeah. yeah, hmm. बस एक airplay. Hmm. आज तो आप YouTube पे <laughs> देख रहे हो तो भाई कितने मिलियन हो गए उधर <laughs> कितने मिलियन हो गए फिर भी हर इंसान को नहीं पता होता सो yes, so, uh, हमने वो दौर देखे हैं, तो hmm. उस दौर के बाद इस दौर को एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है बट hmm. ये दौर है रियलिटी so आप लोग तो आप लो तो तो हैं हैं आप लोग पहुंच चुके वहाँ पे आपको अवेयरनेस तो क्रिएट करने की जरूरत नहीं है ये जो नई पॉथ आ रही है उसको बिचारों को फाइट करना पड़ रहा है uh, आपका जो भी नया कंटेंट है नए गाने हैं उनको लोगों तक पहुंचाना इट्स अगेन स्ट्रगल इट्स इट्स नॉट ईजी एंड इन दैट वे आई फील रिलेटिवली जो नए लोग हैं उनको पता है दे दे नो 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 द आर्ट यू पीपल लाइक एंड 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 हसन शमून अब्दुल्ला ऑल हम हम जो पुराने पुराने हैं हैं वो पुराने, uh, उसमें रह जाते कि भाई हम तो इस तरह करते थे ओके बट दिस दिस इज इज रियल एंड तो जब वो पहला गाना गया। और जब आप सड़कों पे निकले, तो क्या रिएक्शन था एटीन ईयरस एंड यू नो एक इंसिडेंट uh, ऐसा था जो कि मैं समझता हूँ कि uh, इंसान कहता है ना कि स्लाइडिंग डोरस आपने देखी मूवी जी तो बट बट बहुत पहले अब याद नहीं है सो so, अगर आप यहाँ चले गए तो आपकी जिंदगी बिल्कुल कहीं और चली गई और आपने ये मोड ले लिया तो आपकी जिंदगी कहीं और चले गई वो एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर था मेरी जिंदगी का uh, आफ्टर ग्रेजुएटिंग माई स्कूल आई वेंट टू नेशनल कॉलेज वॉज एन इंजीनियरिंग कॉलेज और मैं उस कॉलेज में पढ़ रहा था आई एम टॉकिंग अबाउट नाइनटीन एटी एट महीने तक मैंने पढ़ा और मेरे भाई बड़े भाई अमेरिका से आए एंड ही फाउंड आउट दैट आई एम डूइंग इंजीनियरिंग और उन्होंने कहा कि भाई इंजीनियर क्यों कर रहे हो मैंने कहा कि मेरा दिल चाह रहा है नहीं घर में सब ने बिज़नेस किया यू हैव टू स्टडी बिज़नेस अब वो छः महीने हो चुके हैं और उन्होंने डांट डपट के जो है मुझे चेंज करवा दिया गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज और मैं गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज छः महीने बाद लेट आया हूँ एंड हेयर आई मीट बिलाल मकसूद एंड हेयर आई मीट माय वाइफ सीमा हिरानी इन द सेम कॉलेज आई जस्ट वंडर कि अगर मैं वो नेशनल कॉलेज से ना आया होता तो मेरी जिंदगी क्या होती सो दैट वन इंसिडेंट जो hmm. मैं कि मैं कहूँगा कि जिंदगी का बहुत ही बड़ा गेम चेंजर था मेरे लिए बिकॉज स्ट्रिंग्स एंड माई वाइफ सीमा सिंस पास 30 इज दैट्स माई लाइफ तो वो शायद ना होती आपने फिर भाई को कभी फोन करके शुक्रिया किया नहीं नहीं मैं तो <laughs> भाई को के वाकई आपने <laughs> वो नहीं वो नहीं फोन करके क्या बोलते देखो मेरी वजह से <laughs> you know? uh, yeah. Uh, I always say that. Yes, yes. अच्छा तो वो जब सड़कों पे कोई किस्सा सुनाए फैन मोमेंट उस जमाने में आ, बस हर कोई पहचानने लगता तो था थोड़ी और... शर्म आती थी घबराते थे आप लोग या यू लाइक यार नहीं नहीं, है। नहीं मजा आता था, था। <laughs> अरे okay. सब पहचान रहे हैं okay. uh, so, और

Uh, वो हो जाता होगा कि भाई बट अल्लाह का शुक्र है कि ज़्यादातर जिंदगी का हिस्सा yeah. हम हम्बल hmm. ही रहे और दोनों मैं और बिलाल आई uh, थिंक हम लोग इतने लाइक like माइंडेड uh, इस इस uh, अगर आप ये हम्बल्नेस hmm. और इन चीज़ों में देखें तो हम लोग बहुत लाइक like माइंडेड थे एक दूसरे को हम भी समझाते रहे भाई ठीक है ये हो गया बट इट डजेंट मीन दैट

लगे रहें लगे रहें आ, वो जरूरी है किस पॉइंट पे होना चाहिए कि यार अभी नहीं होगा फ्रेंड जोन पे ही एक्सेप्ट कर लो वो तो आप लकी थे हो गया ना कुछ कुछ को नहीं भी होता देन टाइम आता है छोड़ हाँ, देना चाहिए हाँ आई थिंक वो उस सिचुएशन में पता चल जाता चल है चल जाता है आ, कि भाई अगर ये नो गोज हो रहे हैं तो छोड़ दो फिर देन डोंट वेस्ट योर टाइम जस्ट मूव ऑन तो मैंने भी इन अ वे मैंने भी छोड़ दिया था मुझे तो अभी भी याद है अगस्त थर्ड नाइनटीन वाइटल साइंस का कॉन्सर्ट था रेक्स ऑडिटोरियम में मैं अपनी बेगम अब हैं लेकिन सीमा के साथ हम सारे दोस्त गए और हम वाइटल साइंस का कॉन्सर्ट देख रहे थे Or I remember I, I I was very emotional that day because Junaid ne stage pe like vital signs was like there. Mm -hmm. Junaid ne stage pe ka ka, you know ye ladke hai, inka band is strings, inka ek hai. Jab se tumko maine dekha, I love that song and all. So ah. I, you know, wow. He Junaid is actually mentioning uh, me. Yeah. In, in that concert, I you know I was having a conversation with Seema and she said, you know what, you're just a friend. Oh, I was so disheartened. मैंने अगले दिन अपनी टिकट करवाई नारायण की और मैं अपने दोस्त के साथ जो है चला गया नारायण बस मैं जब नारायण जा रहा था तो बस सुबह उसका फोन आ गया कि यू नो व्हाट आई इट एंड आर मोर देन अ फ्रेंड मैंने कब तो मैंने टिकट करवा ली और मैंने दोस्तों को भी बोल दिया आई टुक दैट ट्रिप बट वो जो ट्रिप थी वो गमगीन गाने सुनने की जगह वो खुशी के गाने सुनता है

When I'll I'll come back, I'll, won't bother you. I'll have, I'll be, you you have, know, a new vessel. But कभी -कभी just when you just give up, propose हाँ, हाँ, exactly, exactly. हाँ, तो uh, मुझे याद है उस मेरे ख्याल से उस जमाने में एक बैंड था पर्ल uh, अच्छा वाइटल साइंस था और फिर पर्ल जो है वो वो भी अंग्रेजी गाने गाते थे और इस्लामाबाद तो मेरे ख्याल से मैंने उसके कॉन्सर्ट की टिकट ली थी और मैंने कहा था कि चलो हम साथ चलते हैं उस तरह प्रपोजिंग किया था लेकिन प्रपोजल के बाद भी बड़े मसले हुए प्रपोज़ किया तो उनके अब्बा ने मुझे बुलाया उनके अब्बा ने कहा कि अच्छा बेटा अगले पाँच साल का तुम्हारा क्या प्लान है <laughs> मैंने कहा मैं, मैं तो एक म्यूजिशन आदमी मेरा तो कोई मुझे तो कल का नहीं पता होता yeah. तो फिर मैंने खैर जिंदगी में सोचना शुरू किया और फिर नाइन्टी में मैं पढ़ने चला गया फिर वापस आया आई थिंक वो एक प्री रेक्विजिट था कि भाई अगर बेटी चाहिए तो पढ़ना देर खैर मैं पढ़ता खुद हाँ। भी पढ़ता लेकिन वो एक <laughs> एक, 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 एक ज्यादा वो, वो इंसेंटिव था ओके okay. आपके बच्चे जब आपको देखते हैं एज अ सिंगर एज दिस फेमस पर्सन उनका क्या रिएक्शन होता है वो क्या कहते हैं आई थिंक पहले तो वो थोड़ा सा इतना ज्यादा उनको उनको ये होता था कि यार अगर आप हैं तो हैं बट यू नो आई डोंट वांट दैट Uh, people should come up to me and talk to me just because I'm your okay. son. Yeah. So they wanted a normal life. But uh, uh, they both, uh, you know, yeah, I, I take a lot of feedback from them. They both are a little bit inclined towards music. One uh, is Arman, the other one 17, Gibran. तो उनसे मैं पूछता रहता हूँ अब तो ज़्यादा पूछता हूँ क्योंकि mm. ये जो जेन जी yes. है yes. आ, ये uh. एकदम ही बिल्कुल चेंज mm. हो गई है yes. सारी जो डायनामिक्स है म्यूजिक की बट नो दे दे सपोर्ट मी दे सपोर्ट माई इवन ये जब uh, कोक स्टूडियो का गाना मैं करने वाला था तो आई आई वॉज नॉट आई वॉज नॉट टू क्लियर दैट यू नो आई वॉन्ट टू गो सोलो और नॉट बिकॉज स्ट्रिंग्स आई uh, नो आपके शायद ये सवाल हो या ना हो लेकिन ये तो खुद ही आ गया लेकिन स्ट्रिंग्स के बाद आई वाज जस्ट थिंकिंग दैट ठीक है यू नो आई एम जस्ट गोना टेक सम टाइम ऑफ साल किया बहुत कमिटमेंट के साथ किया बहुत ही डेडिकेशन के साथ किया आई वाज जस्ट थिंकिंग ठीक है आई जस्ट गो विद द फ्लो आई ट्रैवल आई लव टू ट्रैवल

क्योंकि मुझे बताया गया कि फैसली फास्ट टाइम कम है तो मैं जल्दी जल्दी मेन क्वेश्चन पे आ रही हूँ तो आ, आपने कहा कि आ, मैं नहीं गाना चाह रहा था मुझे क्लियर नहीं था जुल्फी की जब कॉल आई और आपने कहा कि नहीं मैं नहीं करना चाह रहा मुझे ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात लगी इज इन सक्सेस एडिक्टिव आपने कैसे मेक श्योर sure किया है कि आपके साथ ऐसा नहीं हो क्योंकि एक बंदा जिसका जिसका ये पैशन हो जो इतने अरसे से गा रहा हो उसके उससे मुझे ये सुनना जो था कि मैं अभी देखूंगा कोई चीज़ आएगी तो सोचूंगा नहीं गा रहा अभी कुछ जेलिन नहीं कर रहा था। you था, so right. so yeah. so yeah. yeah. जब तक था, तो हमने अपनी दोनों मैंने और बिलाल ने अपनी जान लगा दी थी स्ट्रिंग्स वाज अ ब्रांड स्ट्रिंग्स के लिए हर चीज करते थे okay. अब जब स्ट्रिंग्स नहीं था तब तो आपके ऊपर है uh, हम किस स्पेस पे जाना चाहते हैं क्या ज़्यादा करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं आई वॉज इन दैट जोन कि नहीं यार ये ऐसी चीज़ है कि आप जितना पीछे जाएंगे आप उसके पीछे जाते रहेंगे स्पेशली इन टू टाइम विद सोशल मीडिया दैट यू हैव टू बी सीन एवरीवेयर रोज़ आप सुबह उठते हैं आपको देखना है हाँ भाई आज मेरी क्या पोस्ट होनी चाहिए आप कभी कभार ऐसी चीज़ पे चले जाते हैं कि यार ये कर लूँगा तो मुझे एक दो पोस्ट मिल जाएंगी आई रियली वॉन्ट टू गेट अवे विद डैट के नो 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 एंड आई वॉज हैविंग अ रियली रियली चिल्ड आउट टाइम मजे से सो बट वही बात है कि एज अ म्यूजिशियन आई वॉन्ट टू ट्राई डिफरेंट थिंग्स एंड एंडफी मैंउट कोलेब्रेशन विदर आई जम्पट ऑन एट आई यू नो दिस इज समथिंग एक्साइटिंग दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग एंड मैंने फॉरन सोचा कि यू नो द ओनली हिंड्रेंस वॉज कि डू आई वॉन्ट टू and and then I I I I thought okay chalo, you know as a musician I need to if I want to if want learn and learn uh, this is uh, my best opportunity अब यही जो बात में बोली if I want to learn and learn और मैं आपका इंटरव्यू भी पढ़ रही थी और um, मैंने वैसे भी सुना मुझे मेरे जहन में क्वेश्चन आता है people like you जिन्होंने अपनी जिंदगी के मतलब 34 30 34 years ईयर्स का करियर है right strengths के साथ आपका इतने साल इतना कुछ दिया है do you think कि अभी भी ये रिक्वायरमेंट है कि आप लोग सीखें आप लोग लर्न करें आफ्टर डूइंग सो मच और डू यू फील कि नहीं uh, या आप इसको ऐसे देखते हैं कि नहीं हमने इतना कुछ किया है मे बी हमें ज़रूरत नहीं है इतना कुछ सीखने की और दुनिया को और लोगों को हमें ऐसे एक्सेप्ट करना चाहिए क्योंकि मैं बड़ी ऑनेस्टली ये बात कर रही हूँ जब मैं ये पढ़ भी रही थी सोच रही थी और मैं अपने आप को आपकी जगह रख के सोच रही थी हमने यार तीस साल लगा दिया उसके बाद भी अब तीस साल बाद बोल रहे हो कोई दोबारा सीखो कुछ दोबारा इफिक्ट आई मीन दैट्स इजेंट इट आस्किंग टू मच हाउ डू यू प्रोसेस दिस क्योंकि आपने तो बड़ी हमली लिखा कहा अपने इंटरव्यू में कि मुझे बहुत कुछ सीखना है इन लोगों से तो हाउ डू सी दिस नाउ सी हम अपने जोन में थे तीस साल लोगों ने स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट किया हुआ था द वे स्ट्रिंग्स इज okay. और स्ट्रिंग्स वॉज जो हम बनाते थे लोग वो सुनते थे और हम बनाते भी वही चीज़ें थी जो हमारी वॉइस uh, yeah. को हमारे स्टाइल yeah. को सूट करता वो, वो वो नहीं था जो उस वक्त चल रहा हो exactly. yeah. so, वो एक कंफर्ट लेवल भी था बिकॉज दिस इज द वे वी आर तो हम अपनी चीज़ें भी उसी अतराफ में होते थे लेकिन अगर आप हमें वहाँ से निकाल के मुझे आप किसी और जोन में डाल दें सो so will विल बी bit डिफिकल्ट जोन बिकॉज मैं तो इसका आदि रहा हूँ तीस साल से uh -huh. uh, हाउ डू आई गिव यू एग्जाम्पल कि ठीक है मैं एक राइट right हैंड गाड़ी चला रहा हूँ और मैं ऑटोमेटिक गाड़ी चला रहा हूँ और उसके बाद आप मुझे लेफ्ट हैंड गाड़ी दे दें दे और स्टिक शिफ्ट दे दें तो थोड़ा सा तो टाइम लगेगा बट ये आई वॉन्ट टू मास्टर दैट टू सो आई वॉज वेरी कम्फर्टेबल इन स्ट्रिंग जोन बिलाल जो गाने बनाता भी था इसी तरह बनाता था कि जो मेरी आवाज़ पर सूट करते हो मेरी जो एक रेंज है उस पर नाउ गेटिंग आउट ऑफ देयर एंड गोइंग एंड सिंगिंग विद डिफरेंट कम्पोजर्स इट विल बी ए चैलेंज and that challenge i want to take because i want to be a better singer Or you learning professional singer or sportsman uh, learning never stops So you lagta that is is does not make a difference ki kitna experience hai har relevant rehne changes karni okay unless yeah. you are very comfortable and you saying you know what this hmm. is i am i don't want to grow आई डोंट वॉन्ट टू ग्रो मुझे सक्सेस या फेम के लिए ग्रो नहीं होना आई जस्ट वॉन्ट टू ग्रो इंटरनली फॉर माई सेल्फ दैट ओके आई एवरी नाउन अगर मैं अपने आप को गेज करूँ तो मैं कहूँ कि चलो यार मैं थोड़ा सा बेहतर सिंगर हुआ हूँ बट अदर देन देट आई एम नॉट टू कीन ऑन हैविंग दैट कि भाई मैं इतना पॉपुलर हो जाऊँ या मैं ज़्यादा पॉपुलर हो जाऊँ नो देट्स हो गया अल्लाह का शुक्र है तीस साल स्ट्रिंग्स ने बहुत कुछ दिया yeah. आपको क्या लगता है कि आप इनको क्या सिखा सकते हैं और क्योंकि ये भी आपने कहा कि एक और रीज़न दैट यू यूट टू कम बैक इसकी आपको लगा मे बी आप भी कुछ इम्पार्ट कर सकें नए लोगों को तो आप इनको क्या सिखा सकते हैं आपको क्या लगता है आप क्या पिक कर रहे हैं इनसे आप क्या सीख सकते सो ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं आज अगर अपने बच्चों को भी बच्चों के बारे में भी सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है और मैं हो सकता है गलत भी हूँ लेकिन मैं अब वो एक्सपीरियंस मुझे नहीं लगता उतना यूज़फुल है आजकल की जनरेशन के लिए थिंग्स हैव चेंज ड्रास्टिकली अगर यही चीज़ दस साल पहले होती तो मैं समझ सकता था कि जो हमारा एक्सपीरियंस है कि म्यूज़िक बिजनेस में किस तरीके से आप आगे जाएँ क्या राउट होना चाहिए क्या स्टेप्स होने चाहिए जो हम कर कर आएँ hmm. वो हम बड़ा आ, अच्छी तरीके से पास ऑन कर सकते थे लेकिन थिंग्स हैव चेंज्ड। those labels are no more there. the distribution channels are completely different now. so ab tu mujhe lakte. mujhe se given, uh, come here. Mm -hmm. but what i can give back is uh, anywhere if somebody feels that, okay, this guy with his presence can uh, add a value uh, to our project or to our campaign or to our cause.

अब आप उस जोन में है कि ठीक है यू नॉट थिंकिंग हाँ भाई इसके व्यूज कितने होंगे या क्या होगा जस्ट वॉन्ट टू बी माइंडफुल कि ठीक है मेरी जात से अगर थोड़ा सा किसी भी चीज़ के लिए फ़ायदा हो और मुझे अच्छा लगे सो so, मुझे भूल गया था मैं सवाल दोबारा पूछ लेती हूँ ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि एम कैसे पहुँचे थे आप हॉन्गकॉन्ग में विच आई डो नॉट रिमेंबर कि मैंने आपके बहुत से इंटरव्यूज़ में सुनी थी सिर्फ एक में मैंने सुनी आप जरा हमें बताइए कि क्या हुआ था सो डिसम्बर थर्टी फर्स्ट 1992 हम आवारी टावर्स में एक शो था पीटीवी का ख़ुदाफि 91 या 92 जो भी 92 ही था आ, वो करके हम चारों बैंड मेंबर्स गए स्पिजर रेस्टोरेंट में हमने सैंडविचेस मंगवाई वो हमारा एक अड्डा होता था एंड वी डिसाइड कि यार अब आज बैंड ख़त्म कर देंगे सेकंड एल्बम रिलीज़ हो चुकी थी हाँ। कॉन्सर्ट्स बहुत हो रहे थे लेकिन Uh, अब ये था कि पढ़ाई ख़त्म करनी थी बिलाल को भी डीप डाउन उसका भी एक चेक मार्क था yeah. uh, मेरा भी एक चेक मार्क था पढ़ाई करनी है yeah. हम दोनों ने आई थे एक दूसरे को डिसक्लोज दिस्क, दिस्क, नहीं किया था yeah. कि ये हम हमारी टू बी वाइफ्स के लिए कर रहे हैं लेकिन <laughs> वो एक था uh, वो कहते हैं ना ना कहे हुए हम दोनों को पता yeah. <laughs> था सो आई थिंक थर्टी फर्स्ट डिसम्बर वी डिसाइडेड दिस आई वॉज गोइंग टू यू एस ऑन फिफ्थ ऑफ जैन मेरा एडमिशन हो गया था इंडियाना ब्लूमिंगटन में तो मैं यूजली एटलान्टिक राउट ले कर आप जाते हैं जर्मनी या फ्रांस में रुकते हुए मैंने कहा कि यार एक काम करते हैं एम का हेड क्वार्टर है हांगकॉन्ग में मैं कैथे पेसिफ़िक लेता हूँ और मैं उल्टा यहाँ से जाता हूँ हम एक वीडियो शूट करते हैं और लेट मी ट्राई हम किसी तरह क्यों एम टी आता था लेकिन कुछ नहीं पता था कि एम टी वी का कॉन्टैक्ट क्या है कुछ नहीं हमने खैर कर लिया हमने सेकंड को शूट किया थर्ड फोर्थ को एडिट वेडिट करके सर के पहाड़ का वीडियो फिफ्थ को मैं निकला कहते पैसिफिक से मैं हॉन्ग में गया रुका दो दिन होटल में येलो पेजेस होते थे उस ज़माने में तो इतनी मोटी डायरेक्टरी <laughs> उसमें मैंने एम का नंबर निकाला wow. हॉन्गकॉन्ग भी ट्विन सिटी टाइप की है आई एम नॉट वेरी क्लियर लेकिन वो काउलून करके इलाका yeah, था मैं टैक्सी में वहाँ गया एम hmm. के ऑफ़िस पहुँचा रिसेप्शन पर मैंने कहा आई you एम know, फ्रॉम पाकिस्तान

फिर नोनी ने मेरा इंटरव्यू लिया तो मैं तो वहाँ पे भी खुश हो गया मैंने फौरन तो मैंने फ़ौरन आके बिलाल को फ़ोन किया मैंने कहा बिलाल what, नोनी ने मेरा इंटरव्यू लिया है तो खैर हम बहुत खुश हुए वो सारी बड़े अच्छे दिन थे बड़ी अच्छी इन सारी चीज़ों में तो बड़ी खुशियाँ मिलती थी एंड देन यू नो सर के पहाड़ बिकेम अ मैसिव हिट और तब बैंड ख़त्म हो चुका था और उसके बाद हमें दुनिया भर से बिकॉज एम एशिया की इतनी रीच थी और आ रही थी। बड़ा हौसला था आप लोगों का उस वक्त भाई आप आपकी बड़ी लकी like yeah. you know, so है माशाजी था स्पाइडर मैन आप लोगों ने जो साउथ एशिया में उसका रिलीज था टू थाउजेंड फोर राइटेंड फोर उसमें जो आपका था वो ओ एस टी यूज़ हुआ था कैसा एक्सपीरियंस है जब आपने देखा पहली बार उसको स्क्रीन पे अपने गाने को इस तरीके से वो भी पे वर वर द फीलिंग्स दैट गोइंग गानेट पहले तो हमें यकीन ही नहीं आ रहा था जब उन्होंने कहा क्योंकि उस जमाने में इस तरह इंटरनेशनल कोलेबरे नहीं सुनी होती थी तो पहले तो हमें यकीन ही ना आए और हम कहें कि यार ये जो हमारी लेबल कंपनी है ये हमें मजाक कर रही है हमने किसी को नहीं बताया और हम आ, बस मैं और बिलाल आपस में कि यार किसी को बता दिया और नहीं हुआ तो कहेंगे अच्छा एम ही एम ही तुम शो मार रहे थे जब तक वो वीडियो शूट नहीं हुआ जब तक एडिट नहीं हुआ फिर सैम राइमी जो उसके डायरेक्टर थे उन्होंने हमें एक साइंड पोस्टर भेजा रिलीज से पहले और जब रिलीज हुआ तब बस हमने समझे उस वक्त लोगों को बताया बट दैट वाज सो हमलिंग लाइक देखिए कुछ चीजें होती हैं कि आप सोचते हैं कि मैं ये करूंगा और कुछ चीजें होती हैं कि जो आपके वहमो गुमान में भी ना हो बिल्कुल हमने कभी सोचा ही नहीं था स्पाइडरमैन मैन और उसमें आपका गाना लाइक मतलब हिस्ट्री 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 ये पार्ट पार्ट ऑफ ऑफ पाकिस्तान की की तो तो है ही बट भी बस you know, बस बस यू नो कुछ चीजें चीजें वो आप yeah. आप आपकी नीयत साफ हो 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 मेहनत कर रहे हो, hmm. तो हो हैं. किस मोमेंट पे पे में आंसू आया स्ट्रिंग्स किसी चीज़ पे? बहुत, बार, बहुत बार लाइक खुद लिखा था लेकिन ऐसे बोलते कि yes. एक एक लफ्ज जो है hmm. वो आप जब उसको गा रहे हो तो यू एक्चुअली फील इट दैट यू नो इट्स इट्स माय वॉइस कभी कभार जब शायर कोई गाना लिखता है तो कहीं कहीं आप उसको एज अ सिंगर गा देते हैं आप कुछ लाइनों को उस तरीके से महसूस नहीं कर पाते कि ये आप कह रहे हैं hmm. लेकिन मैं तो देखूँगा कि एक एक लाइन ऐसी लग रही थी कि ये हम सब दर्द हमारा yeah, बोल रहा है या दैट वाज अ वेरी इमोशनल एक्सपीरियंस तितलियां एंड यू नो ऑल दीस लाइक जैसे आपने स्पाइडरमैन की बात की देन वी वर चोजन एंबेसडर्स फॉर यूनिसेफ फॉर एचआईवी वी एड्स ये सारी चीज़ें यू you नो know, चार लड़के एक बैंड बना रहे हैं कॉलेज में कभी वहमो गुमान में सोचा भी नहीं था कि hmm. आपको जिंदगी कहाँ ले जाएगी एंड थर्टी ईयर्स टुगेदर आई थिंक दैट इज द बेस्ट थिंग हैपनिंग टू अस Yeah. कभी आप सोच भी नहीं सकते अगर मैं आपसे कहूँ कि जो थर्टी प्लस ईयर्स का का टाइम है स्ट्रिंग्स का उसके बारे में अगर आप सोचें और आप उस पर एक छोटा सा नोट दिल से लिखना चाहें क्या खोया क्या पाया तो क्या कुछ लाइंस आप कहेंगे नहीं मैं तो यही यही कहूँगा कि अगर वो ही कहते हैं ना कि दोबारा अगर इंसान को वो तीस साल पहले ले जाया जाए और कहा जाए कि भाई वॉट वुड यू लाइक टू करेक्ट आई वुड से आई वॉन्ट द सेम थिंग बिकॉज वॉट स्ट्रिंग्स हैज गिवेन मी इट्स ओनली पाया 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 ऑनेस्टली देर आर कोई ऐसे मोमेंट्स ही नहीं थे जिसमें आपको लगा कि यार ये हमने क्यों किया hmm. या ये हमने क्यों नहीं किया सम uh, uh, मैं और बिलाल बिल्कुल ऑपोजिट वो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल तो हमारी uh, जो सोच थी वो बिल्कुल ऑपोजिट थी बट आई थिंक दैट्स वाई वो पूरा थ्री एंगल जो था स्ट्रिंग्स का वो कवर्ड था जहाँ मेरी वीकनेस थी वो बिलाल की स्ट्रेंथ थी जहाँ उसकी वीकनेस थी मेरी स्ट्रेंथ थी mm -hmm. तो ऐसा कोई मोमेंट ही नहीं है या कोई ऐसा गाना कि यार ये गाना हमें नहीं करना चाहिए था ये हमने कॉन्शियसली इतनी बार चीज़ों को मना किया है एंड वी फील प्राउड अबाउट इट दैट है सेम बैंड एंड सेम लाइफ अभी

ख़त्म करने का मेन डिसशन यही था और रीज़न यही था कि बैंड जिस जगह पे था उसको वहाँ पे छोड़ दिया जाए रादर कि यू वेट फॉर इट टू कम डाउन और हम फ्रस्ट्रेट हो रहे हो ज़िंदगी में कि यार ये क्या हो रहा है बैंड वॉज माशा डूइंग ग्रेट वी रिलीज आर थर्ट एल्बम और अब वो बैंड वहीं है उसकी यादें और वो हमारे और जो लोग बैंड को पसंद करते थे उनके लिए वो वहीं है And now we both individuals are going to do and self explore ourselves. Hmm. Uh, मैं यानी अक्सर वो कहता हूँ कि जस्ट कि नो दो लड़के एक अपने घर से निकल के बस स्टॉप पर आए और अब उनका सफ़र शुरू हुआ शुरू हुआ तीस साल तक वो अपने मुकाम पे पहुँचे अब जब वापस आ रहे हैं तो बस उस बस स्टॉप के बाद एक अपने घर की तरफ जा रहा है एक अपने घर की तरफ कोई सौदा लेने रुक गया कोई कुछ करने सो नाओ इट्स अप टू अस वॉट बिलल वॉन्ट्स टू डू वॉट आई वॉन्ट्स टू डू Uh, at the 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 end of the day, we we both are musicians, so yeah. going to do something. Yeah. But strings which uh, we feel that you know that's the best thing we could give back to strings. Yeah. Um, हमारे पास एक आर्टिस्ट आए हसन सया उनकी एक सजेशन थी उन्होंने कहा कि um, और म्यूजिक इंडस्ट्री को लेके भी अगर हम देखें तो हमें पता है कि बहुत स्ट्रगल कर रही है ये इंडस्ट्री हमें बात करते रहते हैं कि यार जिस हिसाब से जो जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है म्यूज़िक के सीन पर पाकिस्तान में उनकी एक सजेशन थी कि इतने uh, सारे आर्टिस्ट जो हैं वो इतना चैरिटी का काम करते हैं इतनी यू नो वॉलेंटियर करते हैं इतना वो करते हैं बट ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि एक स्टूडियो बना दिया जाए मिल के मे बी या कोई एक भी ये इनिशिएटिव ले ले जहाँ पे वो तमाम लोग जिनके पास ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है जो अंडर प्रिवेज हैं जिनको शायद इतनी सेंस भी नहीं है कि रिकॉर्ड कैसे करना है वो आके वहाँ विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट वहाँ एक रिकॉर्ड कर सकें अपना और उसको आगे फिर पुश किया जा सके आपको लगता है ऐसी कोई चीज चीज सोचनी चाहिए? ऐसा अगर ये चीज़ आप 20 साल पहले कहते हैं हुँ. तो मैं जरूर कहता कि करना चाहिए क्योंकि उस जमाने में स्टूडियो की कॉस्ट बहुत महंगी होती थी जी। स्टूडियो uh, के जो इक्विपमेंट्स होते थे वो बहुत ज्यादा महंगे होते थे हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था रिकॉर्ड एवरीथिंग ऑन अ लैपटॉप आपका एक लैपटॉप है उसके साथ आप पूरा गाना तैयार कर सकते हैं hmm. आपके वीडियोस सारे उस पर एडिट हो सकते हैं सो थिंग्स हैव चेंज्ड इट्स इवन ऑन योर फोन नाउ दैट यू कैन यू नो डू वंडर्स तो अब वो चीज़ नहीं रही hmm. अब सिर्फ ये रह गया है कि आपको कितनी नॉलेज है एंड नाउ नॉलेज इज एवरीवेयर आउट दैर यूट्यूब इज फुल ऑफ नॉलेज यू नो आपको कोई भी एक सॉफ्टवेयर के बारे में भी जानना होता है कि जी मुझे लॉजिक सीखना है या मुझे एबल्ट सीखना है तो भरी हुई हैं वीडियोस सो नाउ व्हाट इज रिक्वायर्ड इज दैट पैशन अगर आप में पैशन है तो आप जाके उस सारी इंफॉर्मेशन को निकालेंगे और आप सीखेंगे इट्स अवेलेबल टू एवरी पहले ज़माने में नहीं थी ओनली प्रिवेज वन जिनको वो चीज़ें या वो इक्विपमेंट अवेलेबल था सो आई थिंक नाव थिंग्स ऑफ चेंज एंड पाकिस्तानी म्यूजिक इंडस्ट्री की जो आप बात कर रही हैं मैं तो अगेन आई वॉज काइंड ऑफ इन हाइबरनेशन सिंस पास्ट एट नाइन मंथ्स लेकिन नाउ आई एम सीइंग अराउंड पाकिस्तान म्यूजिक इंडस्ट्री इज रॉकिंग यू नो ऑल दीज यंग टैलेंट दे आर किलिंग इट एंड यस नेम्स हैव चेंज्ड, लेकिन जो नए लोग आ गए हैं वो, uh, वो वो वही चीज़ कर रहे हैं जो आज से uh, तीस साल पहले एक बैंड कल्चर आया था या बीस साल mm -hmm. पहले सो so ये नया एक uh, चक्कर या एक सर्कल शुरू हो गया है एंडफुली एंड इट्स एक्सप्लोरिंग एंड इफ यू सी इट्स एविडेंट अगर आप पाकिस्तान के बड़े बड़े ब्रांड्स को भी देख लें mm -hmm. वो भी अब इस नए म्यूजिक को ही uh, अपनी कमर्शियल्स में ले रहे हैं mm -hmm. वो भी इन नए आर्टिस्टों को ही अपनी कमर्शल yes. में ले रहे हैं तो so, mm -hmm. इसका मतलब ये है कि दिस इज करंट म्यूजिक शोज जो हैं वो भी उनका जॉनरा चेंज हो गया है इफ यू सी कोक स्टूडियो नाउ Yeah. It's, uh, so current, yes. uh, cool मेरे जो गेस्ट आते हैं मैं उनसे यूजली कोई ना कोई इस किस्म के टॉपिक पर जरूर बात करती हूँ जिससे थोड़ी सी जो हमारे माशरे में चीज़ें हो रही हैं यूथ को रिलेटेड <laughs> वो बिकॉज पीपल फॉलो यू पीपलो रिस्पेक्ट यू गज अ लॉड आपकी माशाला से बहुत सक्सेसफुल शादी है इतने सालों की आज की यूथ को अगर आप देखें तो मुझे लगता है बड़े है, वो डिसहार्टनड हैं हैव काइंड ऑफ लॉस्ट इंट यू नो बिलीफ और ट्रस्ट मैरिज के इंस्टीट्यूशन में आप क्या बोलेंगे एक शादी को कामयाब करने के लिए दो लोगों को क्या करना चाहिए क्या अपने एक्सपीरियंस पे दो तीन टिप्स अगर आप दे सकें दो तीन गाइडलाइंस दे सकें कुछ शेयर कर सकें या यूथ को बता सकें या जो आप अपने आसपास भी अपने यू नो यंग लोगों से जो मिलते हैं क्या चीज़ आप देखते हैं विच यू फील कि यार थोड़ा सा इसको चेंज कर लो तो मे बी बेहतर हो सकें सो so, पहली चीज़ तो ये कि व्हेन आई लाइक माय वाइफ तो मुझे तो देखने में खूबसूरत लगी तो मुझे लगा कि भाई आई लाइक हर यू नो आई और अब जाके रियलाइज़ होता है कि ठीक है शक्ल अच्छी है दैट्स फाइन बट आपकी दोस्ती होना बहुत ज़रूरी है अगर एक इंसान खूबसूरत है लेकिन आपका दोस्त नहीं है तो वहाँ पे जो है वो पहला रेंट लग जाता है बिकॉज मैरिज इज ऑल अबाउट फ्रेंडशिप इट्स नथिंग एल्स यू नीड टू हैव योर वाइफ और योर स्पाउस एज योर बेस्ट फ्रेंड दैट यू कैन कम एंड टॉक अबाउट एनी अगर आप में कोई बुरी आदतें भी हैं तो भी आपको अपने स्पाउस को कॉन्फिडेंस uh, में लेके उसको बताना जरूरी है या तो वो आपको सुधार देंगी yeah. या तो वो आपके साथ के चलो ठीक है आई नीड टू एक्सेप्ट हिम द वे ही इज बट दैट काइंड ऑफ अ फ्रेंडशिप इज रिक्वायर्ड the other thing i think that me and seema uh, really uh, are very just kon karte hain ki hum akele socialize nahi karte if i'm away uh, i try not to socialize without her because uh, no I, I, i like to go with her so agar hum saath hain तो विल go and meet friends a lot. अगर हम अकेले हैं तो हम फिर अकेले ही रहते हैं

कभी कोई हमने बात नहीं सुनी अगर हुआ भी होगा तो कभी सरफेस पे नहीं आया हुई नहीं सरप्राइजिंगली कैन यू इमेजिन माशाल्लाह माशाल्लाह से सो so, दो दो सवाल हैं साथ ही जुड़े हुए एक के कि जो लोग इसी तरीके की फ्रेंडशिप से बिजनेस में जा रहे हैं आप उनको क्या एडवाइस देंगे कि वट आर द टू थ्री थिंग्स दे कैन डू कि वो इसको एज अ जो भी कोलेब्रेशन बिज़नेस जो करें वो भी करें और उनकी जान पहचान या फ्रेंडशिप भी अफेक्ट नहीं हो दूसरा मुझे ये भी लगता है कि माशाल्लाह से हमने कभी जो चीज़ मुझे स्ट्रिंग्स के बारे में बहुत इंस्पायर करती है वो ये कि हमने कभी कोई ख़राब बात नहीं सुनी यू इज़ आर इंस्पायरिंग के रिस्पेक्ट के साथ इज़्ज़त के साथ एक डिसेंट तरीके साथ, के साथ आप करियर अपना मेंटेन कर सकते हैं उतने लोग जो हमेशा कहते हैं नहीं यार ये फील्ड अच्छी नहीं है ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा आपने उनको उन उनके अगर घर से कोई आ रहा है तो उनको होप दिए कि नहीं यार रिस्पेक्ट के साथ भी आप अपनी बड़ी अच्छी चीज़ कर सकते हैं आज कल के इंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री के जो लोग हैं और जो यूथ इसमें आना चाह रही है उनको आप क्या बोलेंगे कि किस तरीके से अपनी रिलेशनशिप्स को सेफ एंड सिक्योर करो विद क्योंकि डिस्ट्रैक्शन आप लोगों के पास भी और भी टेमटेशन बहुत ज्यादा हैं बट यू कीप योर फोकस ऑन योर वर्क एंड नॉट लेट दीज अपने एक्सपीरियंस अपने की बेस पर आप क्या एडवाइस टू थिंग्स जैसे मैंने आपको ये रिलेशनशिप की बात की yeah. कि हम कभी भी अकेले सोशलाइज नहीं करते एक बैंड के लिए मैं समझता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि बैंड सबसे पहले हो ठीक है तीस साल में बहुत अगर मजबूरी हुई होगी जैसे एक आपने कहा कि yes. वो आपके साथ हमने सिंगापुर में इंटरव्यू दिया था बिलाल आई थिंक चले गए थे अभी मैं बात शेयर कर लूं एक हाँ कर ठीक जब हाँ। हमने इंटरव्यू भेजा तो आपकी तरफ से आपकी जो भी पीआई हैंडल करते थे उन्होंने वापस भेजा उन्होंने बोला कि नहीं इन दोनों को इस तरह बैलेंस द इंटरव्यू वाज बिकॉज़ वी ओनली हैड फैसल

Is the most important ingredient for uh, a successful partnership Whatever you do, that you know do everything together mm. The other important thing is trust That you need to have a blind trust Otherwise you can't go, I I still remember I your show, But I used to handle uh, Finances, I used handle band एंड बिलाल हैज़ नेवर क्वेश्चन में कि ये कहाँ से आया क्यों हुआ ये हुआ दैट ट्रस्ट अगर वो ट्रस्ट ना हो hmm. या जिस तरह मैं उससे बहुत सारी चीज़ें क्वेश्चन नहीं करता था बिकॉज मुझे पता है कि ही विल ओनली थिंक गुड अबाउट स्ट्रेंग्स एंड बिलल न्यू देट आई विल ओनली थिंक गुड अबाउट स्ट्रेंग तो वो ट्रस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर आप थोड़े से भी डबल माइंडेड हैं अबाउट द अदर पर्सन दैन दैट पार्टनरशिप के नॉट गो सो फर्स्ट

कभी ज़रूरत या नीड महसूस ही नहीं हुई uh, हम काम करने जाते थे एंड अगेन आई थिंक मैं और बिलाल हम दोनों को एक दूसरे की इन्फ्लुएंसेस भी ऐसी थी कि कहीं कोई किसी का दिल चाहे भी तो वो दूसरे को देखे की अच्छा चलो यार तुम नहीं जा रहे तो मैं भी नहीं जाता मैं सो आई थिंक उस uh, हवाले से हम दोनों बड़े लकी रहे. भी दोनों बड़े भी के कैरेक्टर तो, uh, uh, वाली रही। और अल्लाह का बहुत, करम है। yeah. बहुत करम। yours उसके पीछे कहानी बता दें <laughs> मुझे अभी भी बहुत ज्यादा अटैचमेंट हमारी पहली एल्बम से है और वो पहली एल्बम के जितने भी गाने थे यू hmm. नो you know, वो एक वो एज थी सत्रह अठारह साल की जिसमें ये एकदम ही नई सी चीज़ हो रही है यू नो यू हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड मेकिंग अ सॉन्ग एंड गोइंग टू स्टूडियो एंड रिकॉर्डिंग इट, आई थिंक वो पूरा जो एक टाइम था वो द होल एल्बम वॉज वेरी क्लोज़ टू माई हार्ट जिसमें प्यार से फिर तुम बोल दो एक गाना था मैंने तुझे कभी देखा ना था तुम तो मेरी जिंदगी हो फिर एक रैप गाना भी था मेरी आंखों में तू बस जा मेरी सांसों में समा जा मेरी नींदों को तू ले जा मेरे ख्वाबों में तू आ जा <laughs> मुझको ऐसी जगह ले जा जाना प्यार मिले तेरा मेरे टूटे हुए दिल को जरा wow. साथ में ले तेरा तुझे दिल दिया मैंने तुझे प्यार किया मैंने तेरे तोहफे जो खरीदे वो उधार किया मैंने, मैंने तेरे चेहरे में कशिश है तेरी आंखों में तपिश तुझे पाना मेरा मकसद मेरी यही है कोशिश है सो मैं इनफैक्ट उस दिन जब कोक स्टूडियो का हम रिहर्स कर रहे थे तो मैं यंगस्टर्स को सुना भी रहा था मैंने कहा देखो हम भी करते थे हम भी करते थे <laughs> जब आप लोग शायद yeah. पैदा नहीं हुए होंगे yeah. या यू एट दैट टाइम बट दैट एल्बम वाज वेरी क्लोज टू मी अगेन उसके बाद सॉन्ग्स लाइक ना जाने क्यों सॉन्ग्स लाइक जिंदा सॉन्ग्स लाइक आखिरी अलविदा yeah. सबके अपने अपने uh, एक uh, दौर थे सबकी अपनी एक सब yeah. अपनी एक अटैचमेंट थी सबकी अपनी अपनी एक कहानियाँ थी बट स्टरिंगज वन वॉज द बिगेनिंग वो एक शुरुआत थी yeah, yeah. तो वो एक हमेशा से yeah. और मुझे याद है उस जमाने में हमें ई एम आई ने कहा कि आपकी एल्बम बीस हज़ार का सेट जो हैं एक हफ्ते में बिक गए विच वॉज ए बिग नंबर और वो जो एक खुशी उस ज़माने में एक एक अखबार में क्लिपिंग देख के होती थी और हम काट के उसको स्क्रैप बुक में लगाते थे वो समाओ आ, अब नहीं रही क्योंकि अब तो आपकी चीज़ें यूट्यूब पे इधर उधर you know, yeah. तो उसकी वो जो एक वैल्यू थी बट अगेन वक्त चेंज हो गया हम अपने आप को उससे अटैच करते हैं बट hmm. आज की जनरेशन उनके लिए दिस इज वॉट इट इज वो है आपके पास अभी में वो सब देखते हैं बिल्कुल देखता इतना नहीं हो लेकिन वो हैं सब और वो बड़ा अच्छा दौर था हमें सुना दीजिए कुछ प्लीज मैंने अभी सुना दिया आपके मैं, लिए मैं कहने वाली थी यू कांट गेट अवे विद दैट यू कांट गेट अवे आज छोड़ दें मुझे सॉरी लेकिन <laughs> मैंने इसीलिए वो एक आपको सुना दिया आप कर रहे थे मेरे ज़हन में चल रहा था नहीं कभी मैंने कहा पूरा कर देता हूं बिल्कुल सही कि मैंने अभी तो सुनाया है बट वो थोड़ी एक लाइन भी नहीं फिर आपसे कब मुलाकात होगी हमारी मैं मेरा जब कॉन्सर्ट होगा आई विल मेक श्योर दैट आई इनवाइट यू एंड हैव यू दैट